दोस्तों आज के दिन कल्याण ज्वेलर्स 12% तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, तो आज के दिन जो 12% तेजी हुआ है तो आप देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, अपने जो टॉप लेवल थे कंपनी का, तो एकदम अपने टॉप लेवल को ब्रेक करके आज के दिन ब्रेकआउट मिला। तो ब्रेकआउट मिलने के बाद एकदम सीधा ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। और आज के दिन का जो एकदम मतलब टॉप लेवल है लगभग 204 रुपये। ठीक है, 204 रुपये और 95 पैसे, तो ये रहा एकदम हाई लेवल। और आज के दिन जो क्लोजिंग प्राइस है वो लगभग 202 रुपये के आसपास। ओवरऑल 200 रुपये के ऊपर जाके जो बंद हुआ है ये बहुत ही अच्छी बात होती है। इसके बाद आप देखिए, इसका जो मतलब वॉल्यूम है वो ग्रीन कैंडल में आ चुका है, यानी यूज़ बाइंग देखने को मिल चुका है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा खासा एक न्यूज़ सामने निकल कर आया है, तो मैं दिखाऊंगा आपको। इससे पहले आप देखिए, सबसे पहले कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मतलब ज्वेलरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो टाइटन तो वैसे ही बेस्ट है, ठीक है, नंबर वन कंपनी है। उसके बाद अगर दूसरे कंपनी के साथ अगर जाना है तो कल्याण ज्वेलर्स को आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स नंबर दो पर ही आता है ज्वेलरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, जब इस कंपनी का आईपीओ आया था, ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 2021 के अंदर ही आया था, अप्रैल के महीने, ये देखिए। ठीक है, आईपीओ आने के बाद ही बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका था कंपनी। तब नया नया कंपनी था ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मार्केट में तभी मतलब प्रेशर भी था, इस वजह से नीचे भी आया था। उसके बाद देख सकते रॉकेट की तरफ ऊपर चला गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह कर करके ऊपर गया, फिर नीचे, इस तरह करके के एकदम लास्ट में अभी के टाइम एकदम टॉप लेवल बना चुका है। तो अल्टीमेट देखा जाए, जब से लिस्ट हुआ है, ये देखिए लेफ्ट टू राइट बहुत ही शानदार रिटर्न बना कर दिया है टोटल। ठीक है, और आज के दिन तो सीधा 12% रिटर्न तो दिया है, लेकिन कुछ ही दिनों से, ये देखिए कुछ ही दिनों से यूज़ बाइंग देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम भी बहुत ही नैसिब है। उसके साथ ही साथ कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो रॉकेट की तरफ एकदम सीधा ऊपर ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। और आखिर में आज के दिन जो मतलब न्यूज़ आया है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं न्यूज़ कौन सा है। ये देखिए, जब मार्केट ओपन चल रहा था, मतलब मार्केट जब चल रहा था, तभी ये न्यूज़ मतलब सामने आया था, कल्याण ज्वेलर स्टॉक जंप नियरली 10%। देखिए 10% मतलब जब न्यूज़ आया था तब 10% था, लेकिन उसके बाद भी मतलब भागा था ना, तो इस वजह से 10% लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। टू हाई रिकॉर्ड, अपना जो एकदम टॉप लेवल था कंपनी का, जो एकदम टॉप लेवल था, तो टॉप लेवल को भी मतलब तोड़ के एकदम अपना हाई लेवल बनाया। ठीक है, तो हाई रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही साथ ये देखिए, मेन जो मतलब न्यूज़ की वजह से भाग गया है कंपनी, इसकी वजह से MSCI इंडेक्स स्मॉल कैप, तो MSCI इंडेक्स में कल्याण ज्वेलर्स का एंट्री हो चुका है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप मिड कैप साइज का कंपनी है, तो इस कंपनी को एंट्री मिलना बहुत ही खुशी की बात होती है। और ज्वेलरी सेक्टर में वैसे ही कंपनी बहुत ही मतलब फंडामेंटल्स लेकर सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिल जा रहा है, और इस इंडेक्स में अगर एंट्री हो गई तो बाहर से बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ही शानदार जम दिखाई दिया है इस कंपनी पर। तो इसका थोड़ा बहुत फंडामेंटल के ऊपर भी हम बात करेंगे, चलिए। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, ये देखिए सबसे पहले ज्वेलरी सेक्टर में जैसे मैंने कहा टाइटन नंबर वन है, उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स नंबर टू। तो मार्केट कैप के हिसाब से 20,000 करोड़ का मार्केट कैप आज ही के दिन अचीवमेंट किया है। ये देखिए 20,800 करोड़ का मार्केट कैप बना चुका है कंपनी, तो एक मिड कैप साइज का कंपनी आप कंसिडर इसको कर सकते हैं। कंपनी का इंडस्ट्री पी कितना है, 28। इस कंपनी का पी अभी 42। और ROCE की बात करें 12%, ROE भी 13 से 13.5%। आज के दिन हाई लगा, ये देखिए, ये 205 नहीं होगा, 204 रुपये और 95 पैसे, ये एकदम टॉप लेवल बनाया, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए। 70 रुपये का इस कंपनी का मतलब 52 लो है। कंपनी डिविडेंड भी थोड़ा बहुत दे देती है, तो 0.25% का डिविडेंड इल है। इसके साथ ही साथ कंपनी का फेस वैल्यू अभी 10 है, नए लिस्टिंग हुआ ना, जैसा मैंने बोल रहा हूँ, तो अभी भी बोनस स्प्लिट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो 10 रुपये इसका फेस वैल्यू है। उसके साथ ही साथ जो डेट है, डेट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा डेट इसमें ज़्यादा नहीं है। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए डेट जैसे 4,300 करोड़ का डेट तो है, और डेट टू इक्विटी 1.18 के आसपास देखने को मिल जा रहा है। देखिए ये जो डेट है ना, इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग 3,500 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएगा, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग ज़्यादा है, इस वजह से मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है, वो एक साल या 6 महीने के अंदर अंदर क्लियर करना पड़ता है वो लोन को। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ है ही नहीं, 8 करोड़ के आसपास लॉन्ग टर्म बोरिंग है, तो एक बार मैं दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है,
तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस कंपनी पर। इसके साथ ही साथ अगर मैं इसका रिज़र्व की बात करूँ, ये देखिए 2600 करोड़ का रिज़र्व और कैश भी लगभग 1000 करोड़, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही साथ कैश फ्लो भी थोड़ा सा माइनस है, ज़्यादा नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग का जो शेयर है 60% उनमें से प्लेसिंग कोई नहीं, जीरो। और इसके साथ ही साथ अगर मैं करंट रेशो की बात करूँ 1.34 और OPM की बात करूँ तो 7.5% के आसपास। जैसे मैंने लोन के बारे में बोल रहा हूँ, मैं ये देखिए बैलेंस शीट के अंदर गया, बोर्डिंग ये देखिए लोन 4300 करोड़, उनमें से 3500 करोड़ कितना है शॉर्ट टर्म बोर्डिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग ऊपर ये देखिए 8 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोर्डिंग है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ ये 700 करोड़ कुछ लाइबिलिटी है। लास्ट में ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, ये कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग तो 60% है, इनमें से बड़े इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा स्टेक होल्ड कर रही है इस कंपनी पर। पब्लिक के पास कुछ है ही नहीं 7% के आसपास, ठीक है। 27% FI लेकर बैठे हुई है, 5% DI का जो डेटा है, अगर मैं एक साल से मतलब एक साल का डेटा ओपन कर दूँ, ये देखिए 2021 में 1.5%, 1.74%, 2.63, अभी 5.17%, ठीक है, देखने को मिल जाएगा। ये देखिए 1, 2, 3, 4 साल में लगातार DI ने अपना स्टेक को इंक्रीज ही किया है। और FI की ओर से इस बार थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया है, ये देखिए 29.65% से 27%। तो ये जो सेल आउट किया है ये सीधा सीधा DI ने खरीद चुका है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टेक तो बड़े इन्वेस्टर के हाथों में है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।